तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु जी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉयलर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का ऊपर। ओके, एक बॉयलर में जो हीट ट्रांसफ़र होता है और जो हीट एब्जर्व होता है उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप लोगों को पता होगा एक बॉयलर में हीट ट्रांसफ़र सरफेस रहता है और ये जो हीट ट्रांसफ़र सरफेस है ये डिफरेंट डिफरेंट रहता है, यानी कि सुपर हीटर का, इकोनोमाइज़र का, वाटर वॉल ट्यूब्स, बॉयलर बैंक ट्यूब्स, ये जो डिफरेंट सारे लोकेशन में आप लोगों को बताया, ये लोगों का जो हीट ट्रांसफ़र सरफेस रहता है ये डिफरेंट रहता है और ये लोगों का हीट एब्जर्व करने का जो अमाउंट है ये भी डिफरेंट रहता है। ओके, तो इस वीडियो में मेन टॉपिक है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र सरफेस है एक बॉयलर में, ये डिफरेंट लोकेशन का कितना कितना रहता है और हीट एब्जर्व का जो परसेंटेज है ये कितना रहता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है एक बॉयलर में, जिसमें मैं डिफरेंट लोकेशन बताया हूँ, जैसे कि ये एक बॉयलर का वाटर वाल ट्यूब्स है जो कि फर्नेस वाल ट्यूब्स बोलते हैं हम लोगों। ये सुपर हीटर और ये बॉयलर ड्रम और ये बीवी ट्यूब्स, ये इकोनोमाइजर, ये एपीएस। ओके, बस एक नॉर्मल सा एक बॉयलर को लेके हम लोगों इसको, ये जो टॉपिक है इसको डिस्कशन हम लोगों करेंगे। पहले हम लोगों डिस्कशन करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र सरफेस। ओके, हीट ट्रांसफ़र सरफेस एक बॉयलर में जो रहता है उसका परसेंटेज पहले हम लोगों डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मान लीजिए, यहाँ पे मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, मान लीजिए हीट ट्रांसफ़र सरफेस है एक बॉयलर का 100%। ओके, या 100, तो इस 100 को हम लोगों डिवाइड करेंगे कि फर्नेस वाटर वाल का कितना होगा, सुपर हीटर का कितना होगा, बीवी ट्यूब्स का कितना होगा, इकोनोमाइजर का कितना होगा, एपीएस का कितना होगा। ओके, तो फर्नेस वाटर वाल का कितना होगा ना 9%। ये 100 में से 9% है किसका, किसका है ये 9%, ये है फर्नेस वाटर वाल का होता है। फिर 33% किसका होगा, ये जो बीबी ट्यूब्स है, ये बीबी ट्यूब्स का है 33%। ओके, यानी कि 100 है हीटिंग सरफेस, तो 33% है बीबी ट्यूब्स का। ओके, फिर ये जो 10% है, ये 10% किसका होगा, ये जो सुपर हीटर है, ये सुपर हीटर का हीट ट्रांसफर सरफेस रहता है 10%। 6% किसका होगा, 6% इकोनोमाइजर का, यानी कि एक बॉयलर में इकोनोमाइजर का जो हीटिंग सरफेस रहता है टोटल हीटिंग सरफेस से 6% होता है उसका। फिर 42% किसका, एपीएच का। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसका हीटिंग सरफेस रहता है बॉयलर में, एपीएच का। एपीएच का कितना, 42%। यदि हम इसको एडिशन करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा ना, 100%। समझ में आ गया आप लोगों को। अभी हीट ट्रांसफ़र सरफेस एक बॉयलर में डिस्कशन करने के बाद अभी हम लोगों डिस्कशन करेंगे कि जो हीट हम लोगों सप्लाई करते हैं ये हीट ट्रांसफ़र सरफेस में कौन सबसे ज़्यादा एब्जर्व करता है और कौन सबसे कम एब्जर्व करता है। ओके, यानी कि कहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा एब्जर्व होता है और कहाँ पे कम होता है। क्लियर,
ठीक वैसे ही हम लोगों डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए बॉयलर में टोटल जो हीट एब्जर्ब हो रहा है 100%, तो 100% में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा 48% यहाँ पे देखिए हीट एब्जर्ब परसेंटेज 48% कहाँ पे होता है, ये जो फर्नेस वाटर वॉल ट्यूब्स है वहाँ पे होता है। 20% कहाँ पे होगा हीट एब्जर्ब, टोटल हीट में से 20% हीट कहाँ पे एब्जर्ब होता है, बीवी ट्यूब्स यानी कि बॉयलर बैंक ट्यूब्स में होता है। फिर 15% हीट एब्जर्ब कहाँ पे होता है, सुपर हीटर में, जो टोटल हीट एब्जर्ब होता है एक बॉयलर में तो 15% हीट एब्जर्ब होता है सुपर हीटर में। 7% कहाँ पे होता है, इकोनोमाइजर में, ये जो इकोनोमाइजर है इकोनोमाइजर में 7% हीट एब्जर्ब होता है। फिर 10% हीट कहाँ पे एब्जर्ब होगा, एपीएच में। ओके, तो हम हीटिंग सरफेस बनाए और हीट अप्लाई किए, जो हीट हम लोगों ने अप्लाई किए उस हीट कहाँ कहाँ पे कितना अमाउंट में एब्जर्ब हो रहा है उसको मैं यहाँ पे परसेंटेज में बताया, जो कि आप लोगों को आसान होगा कि आप जो हीट अप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में कहाँ कहाँ पे कितना अमाउंट का हीट एब्जर्ब हो रहा है वो जानने में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।